बादशाह के गानों के बारे में सभी जानते हैं, पर उनकी निजी के बारे में फैंस को कम ही पता है। फेमस सिंगर को लेकर खबर आ रही है कि वे एक बार फिर शादी करने जा रहे हैं। वे लंबे समय से पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वे अपने रिश्ते को जिंदगी के अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे इसी महीने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। तो दोस्तों, बादशाह की ये दूसरी शादी होगी। बादशाह की पहली शादी जैस्मीन से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। रिपोर्ट के अनुसार वे अप्रैल 2023 में ईशा रिखी से शादी कर सकते हैं। कपल के करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि बादशाह को अपनी शादी के लिए शॉपिंग करते देखा गया था। सिंगर के कुछ करीबी दोस्त हैं जो उनकी शादी की योजना के बारे में जानते हैं। हालांकि बादशाह ने शादी की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है जिसमें लिखा है, डियर मीडिया, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये बहुत बचकाना है। मैं शादी नहीं कर रहा हूं। आपको जो कोई इस तरह की जानकारी दे रहा है उसे कोई बेहतर मसाला ढूंढना चाहिए। इसी के साथ बता दें कि 37 इयर्स के बादशाह की गर्लफ्रेंड ईशा रिखी एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं जो चंडीगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। उन्हें आपस में बातचीत से पता चला कि दोनों का फिल्म और म्यूजिक को लेकर टेस्ट एक जैसा है। बता दें कि रैपर बादशाह का असली नाम प्रतीक सिंह सिसोदिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रैपर बादशाह दूसरी शादी करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।